गूगल न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। भिलाई से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। सिद्धिविनायक अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। इलाज में लापरवाही के चलते हुई थी 10 माह के शिवांश की मौत। दुर्ग जिले के सिरसा गेट भिलाई 3 स्थित सिद्धिविनायक हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। छत्तीसगढ़ नर्सिंग होम एक्ट नियम 2010 और 2013 के उल्लंघन पर अस्पताल का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की गयी। की सिद्धिविनायक अस्पताल में पोस्टेड डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की लापरवाही से 10 माह के बच्चे शिवांश वर्मा की मृत्यु हुई थी। जांच के दौरान पाया गया कि इसके इलाज में लापरवाही बरती गई है। बच्चे की मौत के बाद सीएमएचओ दुर्ग के निर्देशन में मामले की जांच की गई। जांच में दोषी पाए जाने के बाद अस्पताल में कार्यरत 4 डॉक्टर सहित 7 के खिलाफ भिलाई 3 थाने में FIR दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने सिद्धिविनायक हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। इसी दौरान सीएमएचओ दुर्ग ने बीते 11 दिसंबर को अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ नोटिस जारी की थी। नोटिस में 30 दिन पूरे होने के बाद 12 दिसंबर को उसके लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की गई। महेश की शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी और लिपिक कर्मचारी का संयुक्त दल गठित किया गया। इस टीम ने सीएमएचओ के निर्देश पर जांच किया। जांच में शिवांश वर्मा के इलाज में लापरवाही बरतने से मौत होना पाया गया था। दुर्ग के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी JP मेश्राम ने नर्सिंग होम एक्ट के तहत सिद्धिविनायक हॉस्पिटल की मान्यता रद्द करने के लिए न सिर्फ नोटिस जारी किया बल्कि अस्पताल प्रबंधन पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था।